नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स अमेरिकी समय के अनुसार आज अपनी छठी स्टारशिप परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है, जो भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:30 बजे साउथ टेक्सास से लॉन्च होगी। स्टारशिप 6 उड़ान में कंपनी सुपर हैवी बूस्टर को फिर से पकड़ने, स्टारशिप के रैप्टर इंजन को फिर से चालू करने और हिट शील्ड प्रयोग का परीक्षण करेगी। इस मिशन के जरिए रॉकेट को दोबारा से इस्तेमाल करने योग्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में संथाल परगना, कोयलांचल और छोटा नागपुर इलाके की कुल 38 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होने जा रहा है। जिन 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है, वहां 2019 के चुनाव में महागठबंधन के दोनों दल झामुमो और कांग्रेस ने आधी से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के बाद ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहुंच चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री ब्राजील में चल रहे 19वें G20 नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर शाम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात की। वहीं खबर है कि आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कर्फ्यू लागू है। इस बीच सरकार ने इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व में मौजूद सभी स्कूल कॉलेज को आज बंद कर दिया है। यह निर्णय इम्फाल सरकार के गृह विभाग द्वारा लिया गया है। जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं, जहां महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बाद उनकी चारों ओर आलोचना हो रही है। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी को आज 11 बजे स्पष्टीकरण देने के लिए महिला कमीशन ने बुलाया है। अगर चन्नी ने इसका जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पंजाब में नवनिर्वाचित पंचों का जिला स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित किया जाएगा, जहां अतिरिक्त उपायुक्त परमजीत कौर ने जिला स्तर पर शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व प्रबंधों का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाई। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल नवनिर्वाचित पंचों को शपथ दिलाकर समारोह संपन्न करेंगे। मणिपुर में एक बार फिर से तनाव के हालत बन गए हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। खबर है कि बैठक में मणिपुर में 50 अतिरिक्त कंपनियों को भेजने का फैसला लिया गया है, ताकि वहां पे शांति बहाल किया जा सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। नैनीताल में नगर पालिका के आवासों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर्वे के बाद चिन्हित अवैध कब्जेदारों से आवास खाली कराए जाएंगे। पालिका बोर्ड ने प्रति आवास 3,000 रुपए प्रति माह किराया वसूली का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यह धरातल पर उतर नहीं पाया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि मैया सम्मान योजना, शिक्षक भर्ती, सिपाही भर्ती जैसे काम उनके कार्यकाल में हुए। चंपई ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने जनता की आशा पर पानी फेर दिया और उनके 5 माह का कार्यकाल हेमंत सरकार के 4.5 साल से अच्छा था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के चिचोला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमलीडीह में बीती रात 55 वर्षीय राजकुमार साहू की हत्या कर दी गई। इस अपराध का पर्दाफाश पुलिस और डॉग स्क्वाड की सूझबूझ से संभव हुआ, जिसके चलते आरोपी जसवंत चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान बारातियों और पुलिस अधिकारी के परिवार के बीच विवाद हो गया, जहां TI राम सिंह पटेल को बीच बचाव करना भारी पड़ा और फायरिंग में उसके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने एक बार फिर से कश्मीर समस्या का राग अलापा है। उसका कहना है कि इस समस्या के
समाधान के बिना जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित नहीं हो सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में पहल करने की अपील की है। कोलकाता रेप और मर्डर केस के 100वें दिन पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों और आम लोगों ने मिलकर रैली निकाली, जहां नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। आर्जिकल घटना पर इस प्रकार की पहल ने लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई है और उनकी भागीदारी को महत्व दिया जा रहा है। आज भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू और माता कमला नेहरू थी। इंदिरा गांधी को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी के विवाह के पश्चात मिला था। स्पष्ट है कि महात्मा गांधी से इंदिरा गांधी का कोई खून का नाता नहीं था और ना ही किसी तरह का रिश्ता था। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हृदय विदारक घटना के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हाई लेवल मीटिंग में दिए सख्त निर्देश। कहा, अस्पतालों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार उन्हें व्हाट्सएप पर धमकी दी गई कि वो 2 से 3 दिन में उनकी हत्या कर देंगे। यह कॉल पाकिस्तान के नंबर से आई थी और खुद को लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताकर धमकी दिया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच चुकी है, जिसके कारण डॉक्टरों ने इसके स्वास्थ्य पर जोखिम के चिंता को जताया है। डॉक्टरों ने आगाह किया है कि जहरीली हवा संवेदनशील लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। दिल्ली वासियों को बाहरी गतिविधियों को कम करने की जरूरत है। पिछले 9 महीने से अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान अब 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। किसान जत्थेबंदियों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर मोर्चा लगाया हुआ है। अब यह किसान बिना किसी ट्रैक्टर ट्रॉली के ही दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा के कैथल जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस ने एक बेलेरो गाड़ी का चालान किया है, जिसे मॉडिफाई करके थार में बदल दिया गया था। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा आदेश दिया, जहां हाईकोर्ट ने प्रशिक्षु थानेदार की पोस्टिंग और पासिंग आउट पैरेड पर रोक लगा दी है। सुल्तानपुर के बल्दीराय थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय ब्लॉक परिसर में सत्ताधारी भाजपा नेता और ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह को बल्दीराया थाना अध्यक्ष धीरज कुमार द्वारा धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां थाना अध्यक्ष ने बीजेपी नेता को सरेआम चुनौती दिया और दुकान निर्माण को गिराने की बात कही। महाराष्ट्र के बदलापुर मुठभेड़ मामले की जाँच में लापरवाही बरतने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने CID को फटकार लगाई है। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को सौंपे जाने वाली सामग्री एकत्र करने में देरी के लिए CID की खिंचाई की। अदालत ने कहा कि वह चाहती है कि जांच सही ढंग से आगे बढ़े और निष्पक्ष हो। गुजरात के सूरत में मोबाइल को लेकर हुए विवाद में 3 दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही एक्शन में आई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी आज की ताजतरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।